لك فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونسيرك لليسرى سيذكر ومن يخشى يتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والسماء وما بنها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكاها وقد خاف من دساها كذب ثمود بطغواها إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوا فعقروها فتمضوا ما عليهم ربهم بذنبهم وسواها ولا يخافوا عقباها صدق الله العلي العظيم. برای تاجیر زهور امام زمان بلندتری سلوات الله سلوات الله شاهد کی شہادت
हक भी गवा आया है कुरान ने काफ हाया सिबते खत्मुल अंबिया को बार दीगर सलवा सलाम बराए अजमत चार मासूमीन अलैहि सलातो वसलाम बुलंद तरीन सलवा हा जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती अरली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो मौसिन अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो मौसिन वो मरते शक्ल पहचानी नहीं जाती जमाने से बारे दीगर सलवात अल्लाह पढ़ी कम्फर्ट जैसे चाहिए।
محمد وآل محمد. اس سے بہتر انداز سے بات بڑے سارے لے کر اللہ Thank you.
जलवा कर गए आशिक का चांद यहाँ पर खैरात रोशनी की ले लीजियो यहाँ से ऐ चांद इस जमीन पर रखियो हमेशा ठंडक सोते जो है यहाँ पर जहरा के है वो प्यारे ऐ चांद करबला तस्नी मुसलसबीलो कौसर के है ये मालिक मारे गए थे प्यासे इस नहर के किनारे मारे गए बेदर्दियो सितम से मुस्लिम के दोनों प्यारे ज़ैनब के दोनों बेटे ऐ चांद करबला के पाबाल हो रही थी कासिम की लाश रन में अब्बास और सरवर चुनते थे उनके टुकड़े ऐ चांद करबला पानी पिलाने लाए एक महलका को सरवर की अजब हुर मलाने तीरे सितम लगा के गर्दन छिदी पिसर की बाजू पदर का दोनों तड़प तड़प कर प्यासे जहां से गुजरे ऐ चांद करबला के इस बन में एक बच्ची बाबा को ढूंढती थी बिखरे हुए पड़े थे जब सरपुरी दलाशे फिर तूने ये भी देखा वो गम रसीदा बच्ची सीने पसो रही थी बेसर पदर से लिपटे ऐ चांद करबला के शहजादाए जिनागी मालिक है करबला का किसकी मजाल आए जब तक न वो बुलाए पहुँचे है करबला में जो
काश फिर मुकद्दर उनको ये दिल दिखाए है चांद करबला के तूने तो देखे होंगे उतरे थे इस जमीन पर अर्शे बरी के तारे है चांद करबला के لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صلوات عزیزان محترم سورہ مبارکہ تحریم کی چھٹی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم سب اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آتش جہنم سے بچاؤ کہ وہ آتش جہنم کہ دنیا کی آگ کا ایندھن تو لکڑیاں ہوا کرتی ہے لیکن اس آتش جہنم کا ایندھن تمہارے نفوس اور پتھر ہوا کریں گے
और ऐसा नहीं होगा कि जिस तरीके से आप इस ज़ाहिरी आग में देखते हैं कि उस वक्त तक सुलगती रहती है जब तक ईंधन बाकी रहता है, ऐसे ही ईंधन ख़त्म हो जाएगा, जो भी ईंधन डाला जाएगा उसकी एक मुद्दत होगी, लकड़ी की एक उम्र होगी, कुछ देर बाद वो लकड़ी जलकर राख में तब्दील हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आतिश जहन्नम भी जो है वो तुम्हारे ख़त्म हो जाने से ख़त्म हो जाए, इसलिए क्योंकि आप बारहा पढ़ते हैं हुम फीहा खालिदून, कि जिन्हें जहन्नम में डाला जाएगा उन्हें खुलूद हासिल होगा, यानी वो हमेशा उसमें बाकी रहेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि आतिश जहन्नम जब आपके जिस्म को ख़त्म कर देगी तो परवरदिगार आलम दोबारा जिस्म अदा करेगा और दोबारा से जलना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक मरतबा सही है जलना पड़ रहा है, एक मरतबा जलेंगे झुलसेंगे जलकर राख हो जाएंगे ख़त्म हो जाएगी बात, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि आतिश जहन्नम का अजाब जिस तरीके से जन्नत की नेमतें खलूद रखती हैं और दवाम रखती हैं, इसी तरीके से आतिश जहन्नम की आग और तपिश भी दवाम रखती है। तुम्हारे तुम ख़त्म हो जाओगे तो हम तुम्हें फिर से वजूद देंगे, हम तुम्हें फिर हिफाज़त वजूद करेंगे, हम तुम्हें फिर जिस्म और बदन देंगे और तुम्हें फिर उसमें जलते रहना है। हुम फीहा खालिदून, जो जहन्नम में हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो परवरदिगार किस आतिश से बचने का कह रहा है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, कि अपने आप को भी बचाओ और अपने आप को बचाने पर इक्तफा मत करना। ये मत समझना कि मैं तो अपनी कब्र में जाऊँगा, सिर्फ अपने आप को बचाना है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि इस्लाम जो है वो रुहबानियत की नफ़ी करते हुए दिखाई देता है। मसीहियत में जो रुहबानियत पाई जाती है वो क्या कहती है, कि आपने सिर्फ अपने आप को बचा लिया, आपने ख़ुद को आलूदा होने से बचा लिया, आपने ख़ुद को गुनाहों की गलाजत और नजासत से बचा लिया, तो आप परहेज़गार हो गए, आप मुत्तकी हो गए, आप कामयाब हो गए। इस्लाम ये नहीं कह रहा। ये वाक़या तो आप सब ने सुना होगा ना, कि जब कुछ असहाब रसूलल्लाह अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में जब उन्होंने रूहबानियत इख्तियार की, उन्होंने अपने घर वालों को अपनी घरवाली को अपने अहलो अयाल को तर्क करके एक बसेरा अपना लिया, एक हुजरे में चले गए, एक झोंपड़ी बनाकर उसमें जो है वो परवरदिगार आलम ही की इबादत बजा ला रहे थे। जब रसूलल्लाह की खिदमत में कुछ लोगों ने आकर उन असहाब की आकर शिकायत की है, तो रिवायत ये कहती है कि रसूल की अबा घिसटती जा रही थी और इस आलम में और गैस के आलम में अल्लाह के रसूल मिंबर पर तशरीफ़ ले गए हैं और क्या कहा है कि इस्लाम में रूहबानियत नहीं पाई जाती। मैं अल्लाह का रसूल होते हुए भी जब उसने दुनिया को तर्क नहीं किया तो तुम कैसे दुनिया को तर्क कर सकते हो, जब मैं जो कि अशरफुल मखलूकात हूँ, जो कि रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, जब उसने भी शादी की है, इज्तिवाज की है, तकसीर नस्ल की है, अहलो अयाल को रखा है, माश की बंदोबस्त की है, बकिया तमाम वो उमूर जो एक आम इंसान इस दुनिया में और ज़िंदगी में गुजारता है, जब मैं भी उन कामों को अंजाम दे रहा हूँ तो तुम कैसे उनसे परहेज करके परवरदिगार आलम के सबसे बड़े बंदे बन सकते हो। बस इस्लाम में रूहबानियत का तस्वुर नहीं पाया जाता। ये और बात है, ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि अल्लाह के रसूल की रूह, तवज्जो कीजिएगा इस मतलब को, ज़ाया ना होने दीजिएगा, कि अल्लाह के रसूल की रूह इतनी लतीफ़ थी, इतनी नाजुक थी, इतनी लताफत उसमें पाई जाती थी कि वो बारहा जिस्म से परवाज़ करने के लिए तैयार होती थी। अब आपने पहली मजलिस में मैंने ये बात बयान की थी ना कि मुस्तस्नायात रसूल में से एक क्या है, कि अल्लाह के रसूल के लिए जो एक्सेप्शनल चीज़ रखी गई है उसमें से एक क्या है, तादुद अजवाज, यानी रसूल अल्लाह के लिए भाई एक वक्त निकाह में चार से ज़्यादा ख़वातीन को रखना जायज़ करार दिया गया है, उनके लिए हलाल करार दिया गया है। शरीयत का उमूमी हुक्म ये नहीं है, उमूमी हुक्म के तहत हर इंसान भाई एक वक्त सिर्फ चार ही रख सकता है अगर संभाल सके तो, संभालना आपका काम, परवरदिगार आलम ने जायज़ करार दिया है। लेकिन अल्लाह के रसूल के लिए परवरदिगार आलम ने चार से ज़्यादा अजवाज को, जौजात को, बीवियों को अपने निकाह में रखना जायज़ करार दिया है।
अब इसकी एक वजह कि आखिर क्यों ऐसा किया गया, इसकी एक वजह तो जो आपने सुनी होगी वो समाजी वजह है। वो समाजी वजह क्या है कि अल्लाह के रसूल ने जिन ख़वातीन को अपने हक में लिया उनमें कोई बाकिरा ख़वातीन आमतौर पर नज़र नहीं आएंगी, वही नज़र आएंगी जो बेवा हैं या तलाक़ याफ्ता हैं, जैसे कि जनाब ज़ैनब बिन्त जहश जो हैं वो तलाक़ याफ्ता थी ज़ैद इब्न हारिसा से, तो ऐसी या सिन रसीदा ख़वातीन को रसूल अल्लाह ने अपने अक्द में लिया। तो लेने की वजह जो समाजी वजह बयान की जाती है वो ये वजह है कि रसूल अल्लाह ने मुख्तलिफ़ कबीलों से मुख्तलिफ़ ख़वातीन को अपने अक्द में लिया ताकि इस्लाम की तबलीग में वो कबीला, क्योंकि वो रसूल के लिए ससुराली हैसियत बन जाएगा, रसूल उस कबीले का दामाद बन जाएंगे, तो जब वो ससुराली हैसियत अपना लेगा तो वो कबीला रसूल अल्लाह के लिए कार्य रिसालत में ना सिर्फ ये कि दुश्वारी ईजाद नहीं करेगा बल्कि मुआविन और मददगार बन जाएगा। तो अब ये क्या वजह है कि जिसकी वजह से रसूल अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ख़वातीन से मुख्तलिफ़ कबीलों की ख़वातीन से शादियाँ की, ये वो समाजी वजह है ताकि वो कबीला कार्य रिसालत में जो है वो किसी किस्म का माने और रुकावट ना ईजाद करे, ये तो समाजी वजह हो गई। लेकिन उलमाए किराम ने इस समाजी वजह के अलावा एक और इरफानी वजह भी बयान की है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने परवरदिगार आलम ने रसूल अल्लाह पर लुत्फ़ करके और दर हकीकत रसूल अल्लाह से बढ़कर उम्मत मुस्लिमा पर लुत्फ़ करके रसूल अल्लाह के लिए ज़्यादा बीवियों को उनके अक्द में रखने को जायज़ करार दिया, और वो क्या है, वो ये है कि रसूल अल्लाह की रूह इतनी लतीफ़ थी कि वो किसी वक्त भी परवरदिगार आलम से, वो हर वक्त परवरदिगार आलम से मुलाकात करने के लिए और उससे शौक में और उससे इश्तियाक में बदन से परवाज करने के लिए हमतन आमादा रहती थी। परवरदिगार आलम ने तअद्दुद अज़वाज के ज़रिए से रसूल अल्लाह के लिए ये चाहा और रसूल अल्लाह के लिए तदबीर की कि अल्लाह के रसूल इस दुनियावी मशागिल में, इस आलम मादा के मशागिल में इतना मशगूल रहें ताकि इसी दुनिया में मशगूलियात की वजह से परवरदिगार आलम की जानिब उनकी रूह वक्त से पहले परवाज ना कर जाए। तवज्जो है, इसी वजह से आप देखिए अल्लाह के रसूल अपनी एक जौजा को कहते हुए, रिवायत का फिक्र है, कहते हुए नजर आते हैं कल्लेमीनी या हुमेरा, कल्लेमीनी या हुमेरा, एक खातून का लकब था, कह हुमेरा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो ताकि तुम जब मुझसे बात करोगी तो मेरी रूह उस मलकूत से इस नासूत की जानिब आ सकेगी, क्योंकि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो किसी वक्त भी मेरी रूह परवरदिगार आलम से मुलाकात की वजह से परवाज कर सकती है। तो क्या वजह हुई, इरफानी वजह कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया के जो उमूर हैं, जो दुनियावी उमूर हैं, जो मादी उमूर हैं, जो दुनिया की मसरूफियात और मशगूलियात हैं उसमें इतना मसरूफ रहें, उसमें इतना घेरे हुए रहें कि अल्लाह के रसूल वक्त से पहले उनकी रूह उनके जिस्म से जुदा ना हो। तवज्जो है, बस ये उस लतीफ़ रूह की बात हो रही है। लेकिन असली हुक्म इस्लाम का क्या है कि इस्लाम में तर्के दुनिया का कोई तसव्वुर पेश नहीं किया गया। हाँ, दुनिया से दूरी रहने का, दूर रहने का कहा गया है, ये ज़रूर कहा गया है कि तुमने जो है वो दुनिया में गर्क नहीं हो जाना, तुमने दुनिया के जर्क और बर्क से मुतासर नहीं होना, लेकिन दुनिया को तर्क करके बिल्कुल राहिब दुनिया बन जाओ, तारे के दुनिया बन जाओ, इसका तसव्वुर जो है वो इस्लाम में नहीं पाया जाता। अब आप देखिए क्या कह रहा है परवरदिगार आयत मजीदा में सूरह मुबारक तहरीम की छठी आयत में, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वकूदुहन नास वल हिजारा, सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना बल्कि अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। अच्छा भाई, परवरदिगार आलम से अगर ये सवाल किया जाए कि परवरदिगार आखिर हमने क्या अहलो अयाल के साथ कब्र में जाना है, सवाल है भाई, क्या आप अपने अहलो अयाल के साथ कब्र में जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। मुमकिन है आप किसी और मुल्क में, किसी और शहर में दफन हो और तकदीर इलाही ये हो कि आपके अहलो अयाल किसी और शहर में दफन हो, कोई ज्यारत पे जा रहा है, कोई किसी सफर में जा रहा है, किसी हादसे का शिकार हो जाए, वहीं दफन हो जाए, आप यहाँ पर दफन हो, तो आपने तो उनकी कब्र में नहीं जाना और उन्होंने आपकी कब्र में नहीं आना। आखिर क्या वजह है कि परवरदिगार सिर्फ अपने आप को बचाने की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ तुम अपने आप को बचाओ बल्कि अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल को भी उस आतिश जहन्नम से बचाओ। तो उसकी वजह वो आयत मजीदा है जिसका तर्जुमा और जिसका मतलब आपके जहन में महफूज है कि परवरदिगार आलम क्या कह रहा है, परवरदिगार जानता है कि अगर तुम नहीं लेकिन तुम्हारे अहलो अयाल में से एक भी शख्स बुरा हो जाए
तो ऐसा नहीं है कि उस बुरे की तासीर किसी तौर पर भी मुतरतिब नहीं होगी, नहीं, शायद तुम पर ना हो लेकिन उस बुरे की तासीर किसी और पर मुतरतिब हो सकती है। लिहाजा तुम अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ ताकि तुम भी बुराई से दूर रहो और तुम्हारे अहलो अयाल भी बुराई से दूर रहे। बात पहुंच गई? क्यों परवरदिगार कह रहा है? क्योंकि शायद तुम बुरे ना हो, तुम्हारे अहलो अयाल जो है, तुम्हारे घर वाले जो है, उनमें कोई जो है वो बुरा हो जाए। क्या है आयत? कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अब यहां पर जो आम तौर पर माना किया जाता है वो इंसानी जिस्म की बात की जाती है। जिसने एक इंसानी जिस्म को कत्ल कर दिया उसने इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब सोचिए जिसने एक रूह इंसान को कत्ल कर दिया, जिसने एक रूह इंसान को आलूदा कर दिया, जिसने एक रूह इंसान को मखदूश कर दिया, जिसने एक रूह इंसान की इस्मत और उसकी अदालत को जायल कर दिया, उसने सिर्फ एक इंसानियत को नहीं बल्कि कई इंसानियतों को तबाह बर्बाद कर दिया। तवज्जो है, एक जिस्म इंसानी का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। तो जिसने एक रूह इंसान को कत्ल किया हो, एक रूह इंसान को आलूदा किया हो, उसका असर कहाँ तक जाएगा? उसका असर सिर्फ आप तक तो नहीं रहेगा या सिर्फ घर वालों तक तो नहीं रहेगा, उसका असर कई नस्लों पर जाकर नजर आएगा, कई माशरों पर मुतरतिब होगा, कई देहर पर, कई आसार पर मुतरतिब होगा। इसलिए परवरदिगार कह रहे हैं कू अनफुसकुम व अहलीकुम, भाई तुम अपने आप को भी बचाओ और अपने साथ साथ कम तरीन जिम्मेदारी जो परवरदिगार ने माशर दी तुम्हें, तुमसे ये नहीं कहा कि तुम पूरी इंसानियत को बचा लो, लेकिन कम तरीन जिम्मेदारी जो एक साहिबान ईमान पर मुतरतिब की गई है वो ये कि खुद को भी बचाना है और अपने साथ साथ अपने घर वालों को बचाना है। ये बात पहुंच गई। अब भाई परवरदिगारे आलम बचाएं तो कैसे बचाएं? तो परवरदिगारे आलम ने इंसान की तालीम का बंदोबस्त किया है। तालीम देने वाले कुछ लोग आएंगे, कुछ मुअल्लिमीन आएंगे, लेकिन उनकी तालीम को लेने का नाम है तरबियत। वो तालीम देंगे, तुमने तरबियत हासिल करनी है। अगर वो तालीम देने वाले ना होते तो गुज़श्ता गुफ्तगू से मुत्तसिल कर दूं तो तुम परवरदिगार आलम के सामने हुज्जत कायम करते कि परवरदिगार तूने किसी को भेजा ही नहीं हमारी तरबियत के लिए। लेकिन परवरदिगार आलम ने उन्हें भेजा, अब तुम्हारे ऊपर हुज्जत तमाम हो गई कि तुमने तरबियत को हासिल करना है। अब ये तालीम पर जरा दो जुमले मेरे सुन लीजिएगा। भाई ये तालीम क्या होती है? तालीम अगर मकाम तरबियत तक ना पहुंच सके ना तो उस तालीम की वही हैसियत है। अभी आप अपने सब जहन में एक पेन की, एक कलम की तस्वीर ईजाद कीजिए। हो गई, कलम बन गया जहन में, कोई भी बाल पेन हो गया, कोई इंक पेन हो गया, पेंसिल हो गई, जहन में आ गई। अच्छा, इस पेन से जो आपके जहन में आई है यकीनन उसके अंदर एक दरमियान में एक कार्बन भी होगा, उसके पेन का ढक्कन भी होगा, वो ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की आपने जहन में बनाई होगी। तो क्या इस पेन से जो जहन में बनाई है, जिसका इल्म आपके जहन में है, क्या आप इस पेन से कागज़ पर कोई मतलब लिख सकते हैं? तवज्जो है भाई, ये पेन जो आपने जहन में बनाई है इसका इल्म आपके पास है, आपके जहन में इस वक्त उसका इल्म हाजिर है, लेकिन क्या आप इस पेन से कुछ लिख सकते? नहीं, कुछ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए क्योंकि जब तक ये पेन ये इल्मी सूरत हकीकी सूरत में तब्दील ना हो जाए उस वक्त तक अपना असर नहीं दिखा सकती। अब मैं इसकी एक मिसाल और दे देता हूँ, वो मंदी की मिसाल जो है, भाई आप अपने जहन में आतिश को, आग को, नार को तसव्वुर कीजिए। भाई ये आतिश आग जो आपने जहन में तसव्वुर की है तो क्या आप इससे जलेंगे? इसने आपको जला रही है? नहीं जला रही ना। आतिश है, जर्द रंग की है, उससे धुएं उठ रहे हैं, उससे लपक उठ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आपको जला नहीं रही। भाई क्यों नहीं जला रही? भाई आग नहीं है क्या जहन में? क्या आपने बर्फ को तो नहीं सोचा? आपने अपने जहन में आग ही को सोचा है, लेकिन ये आग जला नहीं रही। क्यों नहीं जला रही? इसलिए क्योंकि ये आग का इल्म है लेकिन आग की हकीकत नहीं है। बस इंसान जब तक उस मकाम हकीकत तक ना पहुंच जाए वो शय अपना असर नहीं दिखाती। बस सामने वाला अगर आकर शजाअत का इल्म दे, सामने वाला अगर आकर सहाबत का इल्म दे, सामने वाला आकर अगर दीगर औसाफ हमीदा का इल्म दे, सामने वाला आकर अगर अच्छी सिफात का इल्म दे, लेकिन जब तक वो सिफात हमीदा इंसान के आज़ा और जवारे से जाहिर ना हो जाए उस वक्त तक वो अपना हुस्न, अपना जमाल नहीं दिखा सकती। तवज्जो है भाई, आप शुजात आपके जहन में है, सखावत आपके जहन में है, तो क्या आप सखी हो जाएंगे?
नहीं सखी तो नहीं होंगे, आपको सखावत को अपने अमल से जाहिर करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो बखील तरीन इंसान होता है उसको भी सखावत अच्छी लगती है, उसके जहन में भी सखावत का तसव्वुर होता है, उसके जहन में भी सखावत के असरात होते हैं, लेकिन उसे कोई सखी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसने सखावत को या शजाअत को अपने अमल से जाहिर नहीं किया। अच्छा, अब महज अब क्या बात हो गई कि इन औसाफ की सिर्फ तालीम ले लेना काफ़ी नहीं है। तवज्जो है, एक सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सखावत की, शजाअत की, अदालत की, किसी भी सिफत की सिर्फ इल्म हासिल कर लेना, सिर्फ तालीम हासिल कर लेना, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसका असर नहीं दिखेगा। वैसे ही जैसे आग जहन में हो असर नहीं दिखाती, सखावत भी जहन में हो असर नहीं दिखाती, शजाअत भी जहन में हो असर नहीं दिखाती, अदालत भी जहन में हो असर नहीं दिखाती। असर कब दिखाएगी? जब मकाम अमल में आएगी। अच्छा, अब एक मरला और सुन लीजिए भाई। ये तालीम आपने सखावत की तालीम हासिल की, किसी ने आपको बता दिया सखावत बहुत अच्छी चीज़ है, अब आपने सखावत का इल्म हासिल कर लिया। अच्छा, हदीस से मुतासर होकर, वाक़े से मुतासर होकर आपने आलम खारिज में किसी एक बंदे को 1000 रुपये भी दे दिए, 500-1000 रुपये कोई मांगने के लिए आया था आपने उसे दे दिए, तो आप मुझे इंसाफ से बताइए क्या क्या एक मर्तबा किसी को पैसे दे लेने से उस इंसान को सही कहा जाएगा? दिए ना, सखावत का मतलब क्या है कि किसी को पैसे दिए जाए, किसी की मदद की जाए, जेनरसिटी की जाए, किसी को मदद की जाए, किसी की इमदाद की जाए, तो आपने पैसे दे दिए तो क्या आपको सखी कहा जाएगा? आपके बाहर, आपके घर के बाहर खुतबा लग गया, बोर्ड लग गया कि ये जो है वो सखी दौरान है, मुआसिर सखी यही है, हातमे दाई की नस्ल से चले आ रहे हैं, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? इसलिए क्योंकि आपने इल्म के बाद सखावत को अमल में जाहिर तो किया, लेकिन जब तक सखावत आपकी आदत में तब्दील ना हो जाए उस वक्त तक आपको कोई सखी नहीं कहेगा। तवज्जो है, जब तक सखावत आपको इतना आपकी आदत में ना तब्दील हो जाए। अब ये देखिए, बाज़ दफ़ा क्या चीज़ें होती हैं, इल्मे अखलाक में एक इस्तिलाह है हाल। हाल, हाल किसे कहते हैं? कि किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से मुतासर होकर अगर इंसान से कोई अच्छा फेल सादिर हो, लेकिन ऐसा फेल सादिर हो जो फौरन ज़ायल हो जाने वाला हो, थोड़ी देर में ज़ायल हो जाए, सरी उस ज़वाल हो, तो उसे कहा जाता है हाल। आपने सुना है ना, दरगाहों में सूफिया किराम के जो उनकी डिक्शनरी है, उनकी लुगात में वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसे हाल आ गया है। हाल क्यों आ गया है, क्यों कहा जाता है हाल? इसलिए क्योंकि ये पर तसव्वुर ये किया जाता है तसव्वुफ में कि जब उस पर वज्द की कैफियत आ रही हो, जब उस पर ये कैफियत आ रही हो, तो वो परवरदिगार आलम के करीब है। लेकिन उसे हाल क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये इसकी अभी की हालत है, आधे घंटे बाद ये हालत ख़त्म हो जाएगी, आधे घंटे बाद ये हालत नहीं रहेगी, तो इसलिए इसे हाल कहा जाता है। इल्म अखलाक की रूह से वो औसाफ के जो इंसान के अंदर महदूद मुद्दत के लिए और जल्द ज़ायल हो जाए, उन्हें कहा जाता है हाल। लेकिन वो आदात जो कि बाकी रहने वाली हो, जो हमेशा रहने वाली हो, जो जिसको अंजाम देने के लिए इंसान को किसी खारिजी आमिल की ज़रूरत ना हो, बल्कि इंसान को उसका ऐसा मलका हासिल हो जाए, इंसान को उसकी ऐसी आदत अपना ली जाए, इंसान के अंदर वो उसका इतना एडिक्ट हो जाए कि वो चाहे या ना चाहे वही सिफत ही उससे सादिर होगी, ऐसी सिफात को इल्म अखलाक की रूह से कहा जाता है अखलाक। तवज्जो है, अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ ताकि बात जो है वो ज़्यादा वाज़े हो जाए। भाई आप ये देखिए, कितनी मरतबा मजालिस में आप सब ने इस बात को मुशाहिदा किया होगा, बल्कि ना सिर्फ मुशाहिदा किया होगा बल्कि आपके तजर्बे में भी ये बात आई होगी। वो क्या है कि भाई आप किसी मजलिस में गए, मौलाना ने, मुकर्रर ने, ख़तीब ने जो है वो नमाज शब के हवाले से कोई फजीलत की रिवायत पढ़ी, फौरन नमाज शब की उस फजीलत से मुतासर होकर आज रात क्या होगा, आज रात आप अगर रात 2 बजे भी सोए हों तो 3 बजे नमाज शब तहज्जुद के लिए उठ जाएंगे, ऐसा होता है नहीं होता? या मिसाल के तौर पे किसी ने जो है वो मजलिस बर्पा करने की कोई फजीलत की रिवायत सुनाई तो उससे मुतासर होकर आप जो है वो फौरन आज कल ही घर में मजलिस रखवा लेंगे, शहर में 1000 मजलिस हो रही हैं, आप एक और मजलिस रखवा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप फौरन उससे मुतासर हो गए। अब मैं आपको इसकी एक अमली मिसाल दूँ, अमली मिसाल देकर बताता हूँ, उससे पहले खातून जन्नत की मारिफत के हवाले से एक हदीस सुना दूँ। जन्नत में, जन्नत में जब इंसान जन्नत में जाएगा ना, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
जन्नत में इंसान जब जाएगा ना तो जन्नत में जन्नती शख्स, दोज़खी अशख़ास की बात, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आतिश जहन्नम में जल रहे होंगे उनकी बात नहीं कर रहा, जन्नत के जन्नती शख्स अपने आसमान पर एक चमक को देखेंगे, एक रोशनी को देखेंगे। जन्नत में जन्नती शख्स आसमान पर रोशनी को चमकते हुए देखेंगे। तो उस तबके के फरिश्तों से पूछेंगे कि फरिश्तों हमें ये बताओ कि ये आसमान पर कैसी चमक है जो हमें नज़र आ रही है। तो वो फरिश्ते उनसे कहेंगे कि जन्नत बाला पर खातून जन्नत मुस्कुराई है, ये उस मुस्कुराहट की चमक है जो तुम्हें तुम्हारे आसमान पर नजर आ रही है। तवज्जो है। अब देखे आप में से बाजों की आंखों को मैं देख रहा हूं कि इस हदीस को सुनने के साथ ही वो उनकी आंखों में मुझे नमी नजर आ रही है। खातून जन्नत से जो मोहब्बत है, जो मवद्दत है, उसकी ये नमी नजर आ रही है। अब इसे कहा जाता है अकीदत, लेकिन ये ऐसी अकीदत है जो अंदर से नहीं फूटी है बल्कि बाहर के आमिल से मुतासिर होकर नजर आ रही है। बाहर आमिल क्या था? वो हदीस थी जो मैंने आपके पेश खिदमत की, वो रिवायत थी जो मैंने आपकी नजर समाअत की। इस रिवायत से ये जो ईजाद शुदा अकीदत है ये बाहर के आमिल की वजह से है, और ये वाली अकीदत उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक बाहर बरकरार रहेगा। कल ये रिवायत वापस सुनाऊंगा तो आपको इतनी ना वाह होगी, ना नारा होगा, ना सलवात होगी। क्यों? क्योंकि अब बाहर वाला आमिल जो है वो उस तरीके से तासीर ईजाद नहीं कर रहा। भाई आप ये देखिए, जब करबला गए, जब तक करबला है चेहरे पर दाढ़ी भी आ जाएगी, नमाज की पाबंदी भी आ जाएगी। जब वापस करबला से कराची आए तो ना दाढ़ी होगी ना नमाज की पाबंदी होगी। जब हज पर जा रहे हैं तो खुम्स की खुम्स भी वक्त पर निकाल रहे हैं, ज़कात भी वक्त पर निकाल रहे हैं, सदका खैरात भी कर रहे हैं, लेकिन जब हज से वापस आए तो ये सब कुछ ख़त्म। क्यों? क्योंकि ये अच्छे काम हैं, लेकिन ये अच्छे काम उस बाहर से मुतासिर होने की वजह से है। जब तक बाहर रहेगा वो असर रहेगा, जब बाहर ख़त्म हो गया तो असर भी ख़त्म। मुहर्रम आया, लोगों में अच्छे अखलाक नज़र आए, अच्छे आमाल नज़र आए, लोगों की मदद करने का जज्बा नज़र आया, शहादत का जज्बा नज़र आया। कब तक? जब तक मुहर्रम है। जब सफ़र चला गया, रबीउल अव्वल आया, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये ऐसी अकीदत है जो बाहर से मुतासिर होकर हो रही है। लेकिन अगर ऐसी अकीदत इंसान अपने अंदर ईजाद कर ले जो किसी बाहर के आमिल की वजह से ना हो बल्कि इंसान के अंदरून से फूटे, और इंसान के अंदरून से, इंसान के नजरिए और विजदान से वो सादिर हो, तो उस वक्त कहा जाता है कि ये अकीदत अब अकीदे का हिस्सा बन चुकी है। तवज्जो कीजिएगा, जब अकीदत अकीदे का हिस्सा बन जाए तो अब उसे किसी हदीस सुनने की जरूरत नहीं है, अब उसे किसी रिवायत सुनने की जरूरत नहीं है, अब उसे किसी मकान की जरूरत नहीं है, अब उसे किसी जमाने की जरूरत नहीं है। वो जिस हालत में भी होगा वो परवरदिगार आलम का करीब तरीन बंदा होगा, हाँ सूली पर नजर आए, हाँ तख्त पर नजर आए, हाँ मसनद खिलाफत पर नजर आए। वो इंसान हर वक्त आपको जो है वो परवरदिगार आलम के उसी तरह से करीब नजर आएगा जिस तरीके से अपनी निजी जिंदगी में करीब नजर आ रहा है। उसके मुसल्ले इबादत में और उसके रखते ख्वाब में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि ये अकीदत अंदर से सादिर हो रही है, बैरूनी व खारजी अवामिल से मुतासर होकर नहीं हो रही। तो आप ये देखिए कि इल्म अखलाक ये कह रहे हैं कि एक होता है हाल, वो हाल क्या है? बाहर से किसी चीज़ से मुतासर होकर जो हमारे अंदर ईजाद होता है, जिसको हम उर्दू में वजद में आना कहते हैं। आपने सुना होगा ना, बाज़ लोगों ने अल्लामा इकबाल की शायरी जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो भाई रूह वजद में आ जाती है, एक कैफ सा महसूस होने लगता है, एक सुरूर सा महसूस होने लगता है। लेकिन ये कितनी देर का, इसकी एक्सपायरी आधा घंटा एक घंटा होती है, आधे एक घंटे बाद इसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो तरबियत के नतीजे में इंसान से अखलाक सादिर होते हैं वो एक महदूद मुद्दत के लिए नहीं होते बल्कि वो हमेशा बाकी रहने के लिए होते हैं। बस इंसान का पहला मरहला है तालीम का मरहला जो परवरदिगार आलम की जानिब से है। दूसरा मरहला जो इंसान की जानिब से है वो ये है कि उन तालीम शुदा सिफात को इंसान मकाम अमल में लेकर आए। और अब मकाम अमल में लाने के लिए सिर्फ एक मरतबा अमल से सादिर नहीं करना बल्कि इसे तवातुर के साथ इंसान को सादिर करते रहना है। उस वक्त इस इंसान को कहा जाएगा तरबियत शुदा इंसान। उस वक्त क्या कहा जाएगा? कि ये शख्स तरबियत याफ्ता इंसान हो गया है। अब इसमें तरबियत की सिर्फ एक मुख्तसर सी डेफिनेशन करके बात को जो है वो मैं आगे बढ़ाऊँ। भाई उलमाए अखलाक ने जो तरबियत की डेफिनेशन बयान की है ना, वो क्या है कि तरबियत यानी इंसान के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं
तवज्जो कीजिएगा, फिक्रे फिक्रे पे तवज्जो कीजिएगा। इंसान के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उन्हें कमाल मतलूब मतलूबा कमाल के को हासिल करने के लिए जब इंसान उन्हें बरोए कार लाए तो इसे कहा जाता है तरबियत करना। मैं क्योंकि डेफिनेशन है ना, फिर से रिपीट करूँगा, इंसान के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उन्हें बरोए कार लाना, किसके लिए बरोए कार लाना, उस मतलूबा कमाल को मतलूबा डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए इस काम में कोशिश करने को कहा जाता है तरबियत करना। बस इससे दो तीन बातें तो समझ आ गई कि एक मतलूबा कमाल है और एक इंसान की छुपी हुई सलाहियतें हैं। अब इसी वजह से आप ये देखिए कि तरबियती निज़ाम रखा गया है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए रखा गया है, हैवानात के लिए आपको तरबियती निज़ाम नज़र नहीं आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके अंदर जो भी सलाहियतें थीं वो अज़क़ब्ल ज़ाहिर हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि शेर का बच्चा जब पैदा होता है तो जब वो 3 साल का हो जाए तो उसकी माँ जो है वो एक भारी सा बस्ता उसके कमर पे उसकी पुश्त पे लाद करके उसे किसी बड़े शेर के पास भेजे कि जाओ जाके दरिंदगी सीख कर आओ। ऐसा है कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक में कोई ऐसी वीडियो हो शायद मेरी नज़र से ना गुजरी हो कि शेर जो है वो अपने बच्चे को किसी स्कूल भेजे, किसी मकतब में भेजे, किसी मदरसे भेजे कि जाओ जाके दरिंदगी सीख कर आओ, या लोमड़ी अपने बच्चे को जो है अपने तिफल को अपने नौ मौलूद को जाके किसी बड़ी लोमड़ी के पास भेजे कि जाओ जाके मक्कारी सीख कर आओ। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? इसलिए ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो भी सलाहियतें थीं, जो इस्तेदादात थीं, जो काबिलियतें थीं, वो परवरदिगार आलम ने अज खुद जाहिर कर दी हैं। इस बच्चे को, शेर के बच्चे को दरिंदगी सीखने के लिए किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। इस लोमड़ी के बच्चे को अय्यारी सीखने के लिए किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। इस बकरी के बच्चे को अपनी सिफात हासिल करने के लिए किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर कोई छुपी हुई सलाहियतें नहीं रखी गई। अगर नहीं, अगर उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतें होती और उसके बावजूद अगर परवरदिगार आलम ने उनके लिए कोई नबी ना भेजा होता, उनके लिए कोई वही नाजिल ना की होती, उनके लिए कोई किताब नाजिल ना की होती, उनके लिए कोई पैगाम ना भेजा होता, तो दर हकीकत ये कायनात व आलम खिलकत में नुक्स शुमार होता। तवज्जो है? लेकिन आपने कभी देखा कि भाई उनके लिए, जानवरों के लिए कोई नबी आया हो, कोई वही उतरी हो, कोई किताब नाजिल हुई हो, कोई नबी, कोई रसूल, कोई मुरसल भेजा गया? कोई नहीं भेजा गया। अगर निज़ाम हिदायत भेजा गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए भेजा गया है, क्योंकि इंसान वो ज़ात है कि जिसे अपने मतलूबा कमाल तक पहुंचना है। अब ये मतलूबा कमाल, अब आप एक मिलकर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद का। पूरी तवज्जो से मैं अपने मतलब को जो है वो ज़ाया होने देना नहीं चाहता, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा पहुँच जाए, वाक्य का सहारा कम लूँ। वाक्य के सहारे से क्या होता है कि इंसान की तवज्जोहात जो है वो साथ रहती हैं, क्योंकि वाक्य से वाक्य आसान फहम होता है इसलिए सब समझ जाते हैं। लेकिन कोई इल्मी मतलब हो, वैसे ही नींद का वक्त हो, ख्वाब का वक्त हो, दोपहर का, गर्मी का वक्त हो और उसमें इल्मी मतलब की संगीनी हो तो नींद जो है वो दोहरी तौर पर आने लगती है। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या बात हो रही थी कि मतलूबा कमाल? भाई ये मतलूबा कमाल क्या होता है? आप अपनी नज़रिए को जैसा डिफ़ाइन करेंगे ना, कमाल भी उसी हिसाब से डिफ़ाइन होगा। भाई अगर आपका मकसद जो है वो तैराकी सिखाना है, तैराकी की तरबियत देना है, तो कमाल क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो तैराक बन जाए। फिर उसका मैदान क्या होगा? समंदर जाएंगे, दरिया के पास जाएंगे या स्विमिंग पूल जाएंगे, किसी हौज में जाएंगे। लेकिन आपने बच्चे को घुड़सवारी सिखानी है, अब मतलूबा कमाल क्या हो गया? घुड़सवारी सिखाना। तो अब नतीजतन आप क्या स्विमिंग पूल लेके जाएंगे अपने बच्चे को? भाई स्विमिंग पूल ले जाएं, स्विमिंग पूल में जाके घुड़सवारी सिखाइए, ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब कमाल बदल जाएगा तो कमाल के बदलने से उसका मैदान भी तब्दील हो जाएगा। कमाल की डेफिनेशन जब आप करेंगे तो उसके ज़राए, उसके मैदान तब्दील होते रहेंगे। अगर आपने दौड़ सिखानी है तो आप किसी शहरा में नहीं ले जाएंगे, घोड़ा पकड़वा दिया कि भाई दौड़ सीख लो, नहीं, ऐसे तो दौड़ नहीं सीखेगा। दौड़ सिखाने के लिए किसी ग्राउंड में ले जाना होगा। तो चूंकि कमाल वहाँ पर दौड़ सिखाना था तो उसका मैदान भी तब्दील हो जाएगा। तो जैसे जैसे कमाल तब्दील होते जाएंगे, इंसान के लिए जो मैदान है वो भी तब्दील होते चले जाएंगे। अगर इंसान ज़िंदगी को इसी मादी दुनिया में खुलासा कर दे तो उसके लिए कमाल क्या हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मेरे पास आ जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत मेरे पास आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मताए दुनिया मेरे पास आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी अराजी मेरे पास आ जाए, बड़े बड़े मुल्क मेरे कब्ज़े में आ जाए, बड़ी बड़ी कुदरतें ताकतें मेरे आगे तस्लीम हो जाएँ। कब? अगर इंसान कमाल कैसे समझे इस मादी दुनिया को। लेकिन अगर इंसान इस बात का कायल हो जाए कि परवरदिगार आलम ने इंसान को सिर्फ एक ज़ाहिरी बदन नहीं दिया, बल्कि ज़ाहिरी बदन के साथ साथ एक मलकूती रूह भी अता की है, तो अब तबीयतन इंसान का जो कमाल होगा, जो मतलूबा डेस्टिनेशन और हदफ होगी, वो तब्दील हो जाएगी। और इतना तब्दील होगी, इतना तब्दील होगी कि आखिर उस मतलूबा कमाल को मैं कैसे बयान करूं? इसलिए क्योंकि रिवायत में उस शख्स के लिए मतलूबा कमाल ये बयान किया गया है कि इन्नी इन्नहु लयतकर्रबु इलैया बिन नाफिलत हत्ता उहिब्बहु व इज़ा हब्बबतुहु फकुंतु समअहु व लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु व लज़ी युबसिरु बिहा। कि जब मैं, परवरदिगार आलम कह रहा है कि जब एक बंदा मेरे करीब होता है और मुझसे कमाल हासिल करने के लिए दस्ते न्याज बुलंद करता है, तो मैं उसका वो कान बन जाता हूँ जिससे वो समाअत करता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी वो ज़ुबान बन जाता हूँ कि जिससे वो बात करता है, मैं उसके वो हाथ बन जाता हूँ जिससे वो किसी चीज़ को थामता है। तवज्जो है? अब मतलूबा कमाल क्या हो गया? मतलूबा कमाल कि हमारे हाथ अब हमारे ना रहें बल्कि वो खुदा का हाथ बन जाए, अब हमारी आंख ना रहे बल्कि वो खुदा की आंख बन जाए, अब हमारी जुबान हमारी, ये मतलूबा कमाल जो परवरदिगार आलम ने एक इंसान के लिए तसव्वुर किया है, वो ये मकाम है कि दर हकीकत उसका कान ना रहे बल्कि वो उज़ुनुल्लाह बन जाए, उसकी जुबान ना रहे बल्कि वो लिसानुल्लाह बन जाए। अब ये परवरदिगार आलम ने इंसान के लिए एक मतलूबा कमाल सेट किया है कि तुमने यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक तुम्हारे अंदर सलाहियत रखी गई है पहुँचने की। अब ये तरबियत की अगर किसी हद तक एक तारीफ समझ आ गई हो ना, क्या है तरबियत? कि छुपी हुई सलाहियतों को, मतलूबा कमाल को हासिल करने के लिए इंसान कोशिश करे, इस कोशिश का नाम है तरबियत देना, तरबियत लेना या तरबियत करना। अब इसके ज़ेल में जो आज मैं चाहता था, अब मैं अपने मतलब पर पहुँचाऊँ कि मैं सिर्फ दो कवानीन को बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि तरबियत एक ऐसा मौजू है, एक तो इसकी डेफिनेशन भी मुख्तलिफ नज़र आएंगी और सानियन ये एक ऐसा मौजू है जिसे मिंबर से या स्कूलों में कॉलेजों में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैं इसके सिर्फ दो ऐसे असल बयान करना चाहता हूँ जो एक इंसान की ख़ानदानी ज़िंदगी में उसके लिए असरगुजार हो सकते हैं। पहला असल जो तरबियत करते हुए, क्योंकि बहुत सारे अफराद बच्चे हैं, बच्चे बाद में बाप बनेंगे और बहुत सारे अफराद वैसे ही बाप हैं यहाँ पर, तो तरबियत के लिए, किसी की भी तरबियत के लिए, अपने आप की भी तरबियत के लिए और अपनी औलाद की तरबियत के लिए भी जो एक बुनियादी असल बयान किया जाता है और उसकी रियायत करना ज़रूरी है, जो हम रियायत नहीं करते, वो है तदरीज की असल। तदरीज यानी मरहला वार होना, टाइम के साथ काम करना, लहजा बा लहजा, जल्दबाजी ना करना। आमतौर पर क्या होता है, हमारे यहाँ जो जैसे जो वालदेन हैं वो इस मिसाल को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, हम क्या चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक ही रात में आला बहजत बन जाए, एक ही रात में जो हमारे यहाँ जल्दबाजी है, जो इस्तेराब है, क्या चाह रहे होते हैं कि एक ही रात में मैं बटन दबाऊं, सुबह उठूं तो मेरा बच्चा जो है वो आगा बहजत, जितना इरफान, जितनी मानवियत, जितनी रूहानियत उसके अंदर बिल्ट इन तौर पर आ जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। एक आगा बहजत बनने के लिए नस्लों की कोशिशें होती हैं, तब जाकर जो है वो इंसान इतना नुमाया मकाम और इतनी बुलंदी और इतनी अजमत हासिल कर पाता है। लिहाजा तदरीज की असल यानी मरहलावार इंतज़ार करके तहम्मुल के साथ मरहलावार तौर पर दर्जा ब दर्जा किसी को जो है उस मकाम तक पहुंचाना, उस तरबियत के मकाम तक पहुंचाना जहां तक हम चाहते हैं। आपने देखा होगा जब जून जुलाई आता है, गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं, तो जिन्होंने मैट्रिक पास किया होता है या इंटरमीडिएट पास किया होता है उनके 2 महीने 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, तो आमतौर पर नौजवानों का जो एक उमूमी मशगला होता है वो बॉडी बिल्डिंग करना होता है। गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, 2 महीना है 3 महीना है, वो बॉडी, लड़का जो है, बच्चा, नौजवान, वो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है। अब वो बॉडी बिल्डिंग करते हुए जब जाता है किसी वर्जिशगाह, तो वो क्या चाहता है कि एक ही रात में वो उस पहलवान की तरह बन जाए कि जैसा पहलवान उसको वो तस्वीर में नज़र आ रहा है। देखा होगा ना सबने, सबके ये बात मुशाहदे में गुजरी होगी कि वो जो तस्वीर में, पोस्टर में जो बॉडी बिल्डर नज़र आ रहा है, हम क्या चाहते हैं एक ही दिन में वैसे बॉडी बिल्डर बन जाए। अब वो नौजवान जब जाता है तो क्या करता है, उसका कोच उससे कहता है कि तुमने इतना वज़न उठाना है, मिसाल के तौर पे 10 किलो वज़न उठाना है,
लेकिन वो इतना मोटिवेटेड होता है, उसके अंदर इतना जज्बा होता है, उस वक्त इतनी कैफियत उस पर तारी होती है, वो ये चाहता है कि मैं 10 किलो नहीं, मैं 20 किलो वज़न उठाऊंगा, 20 किलो वज़न उठा रहा है। अच्छा, उससे कहा गया है कि तुमने ये डाइट रखनी है, मिसाल के तौर पे तुमने इतनी कैलोरीज लेनी है, लेकिन वो कहेगा नहीं, मैं ज़्यादा लेता हूँ, ज़्यादा लेता हूँ, ज़्यादा जलाता हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द जो है वो उस पोस्टर वाले, उस बॉडी बिल्डर से जिससे मैं मुतासिर हुआ हूँ, मैं उस जैसा बन जाऊँ। अच्छा, नतीजा क्या होता है? यहाँ तक तो बहुत अच्छी चीज़ है, नतीजा ये हुआ कि ये तो एक रात में ही बॉडी बिल्डर बन जाएगा, लेकिन नतीजा ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये एक महीना दो महीना बेचारा लगातार मेहनत कर रहा है, खा भी रहा है, महंगी चीज़ें खरीद रहा है, महंगी डाइट खरीद रहा है, महंगी मेहनत कर रहा है, एक घंटे के बजाय 10 घंटे जाके बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। ये चाहता ये है कि दोपहर पूरी रात बॉडी जो जिम है वो उसका वर्जिश का खुला रहे, ताकि ये बॉडी बिल्डिंग करता रहे और ये उस जैसा बन जाए जिससे मुतासर हुआ है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता क्या है, एक महीने बाद इसके काम की रफ्तार ज़्यादा होती है और नतीजे की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती, तो ये थक जाता है। और थक कर फिर क्या होता है, एक महीना दो महीना जाएगा, फिर इसका मोटिवेशन जिस बबल अप के साथ ऊपर गया था, उसी बबल अप के साथ इसका मोटिवेशन नीचे आ जाता है, और फिर ये जिम छोड़ देता है कि भाई बहुत मेहनत कर ली। लेकिन फिर क्या होता है, असल में ये इस नुक्ते की जानिब गाफिल होता है कि ये जो तूने पोस्टर पर जिस शख्स से मुतासर होकर बॉडी बिल्डिंग शुरू की है, ये इसके एक दिन की मेहनत नहीं है, ये इसके कई सालों की मेहनत है जो तुझे उस पोस्टर पर, उस तस्वीर पर दिखाई दे रही है। तू उसके सालों की मेहनत को चाहता है, यह है कि तू एक रात में या एक महीने में हासिल कर ले। तो हम क्या चाह रहे होते हैं, वालदैन हजरात जो हैं, कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो एक ही दिन में वैसे बॉडी बिल्डर, वैसे बड़े अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छी तरबियत वाले अच्छे शागिर्द बन जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता। असले तदरीज की रियायत, ये जो असले तदरीज मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऐसी असल नहीं है कि जिसको मैं अपनी जानब से या जैसे उलमाए अखलाक ने या महान जो है वो कलाए आलम ने बयान किया हो, नहीं, खुद कुरान मजीद ने भी इस असल की बाज चीज़ों में रियायत की है। मुलाहिजा कीजिए भाई, इस्लाम आने से पहले शराब जो है वो एक ममनू चीज़ थी, मकरू चीज़ थी, लेकिन हराम नहीं थी। कुरान ने इसे आकर एक मर्तबा पहले ही मरहले में आकर हराम करार नहीं दिया, बल्कि आप देखिए सूरह मुबारक नहल में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वमिन अनाब नखील वल वमिन नखील वल अनाब यतखज़ून मिनहु सकरन व रिज़्कन हसना। क्या कह रहे हैं परवरदिगार, कि ये अंगूर से और खजूरों से तुम अच्छा रिस्क बनाते हो और कुछ नशावर चीज़ें बनाते हो। ये पहला मरहला, यानी क्या बता रहा है कि देखो ये जो तुम शराब पी रहे हो ये रिज़्क़े हसन नहीं है, क्योंकि रिज़्क़े हसन बनाते हो और नशावर चीज़ें बनाते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि नशावर जो चीज़ें हैं वो रिज़्क़े हसन, अच्छा रिस्क नहीं है, क्योंकि उसके मुकाबले में लाया गया है। पहले मरहले में परवरदिगार आलम ने अपनी इजहार बेजारी बता दी। फिर जाइए सूरह मुबारक बकरा में, ये दूसरा मरहला है हुरमत शराब का। हुरमत शराब परवरदिगार आलम ने एक ही आयत में, एक ही मरहले में बयान नहीं की। पहला मरहला मैंने सूरह नहल का बताया, दूसरा मरहला सूरह मुबारक बकरा की 219 की आयत में परवरदिगार आलम बयान कर रहा है कि भैया सलून का अनिल खमर वल मैसर उल फीहिमा इस्मुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़िहिमा। तर्जुमा क्या है कि ये नए होने वाले मुसलमान तुमसे पूछते हैं रसूल, कि ये कुमार का यानी जुए का और नशे का, शराब का क्या हुक्म है, तो तुम उनसे जाकर कह दो, तुम लोगों से कह दो कि इसमें कुछ गुनाह है और थोड़ा फ़ायदा भी है। ये कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ, वह मुनाफ़िउ लिन्नास, कुछ फ़ायदा भी है, लेकिन वह इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़िहिमा, लेकिन जो इसका नुकसान है वो इसके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। ये क्या हो गया हुरमत शराब का दूसरा मरहला। अब तीसरा मरहला सुनिए, तीसरा मरहला परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक निसा की जाहिरन 43 या 43 शुमारी की आयत में बयान फरमाया। क्या कहा, या अय्युल्लज़ीना आमनु ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून, के तुम नमाज के करीब ना जाना जब तुम नशे के आलम में हो। अब ये आयत का, हुरमत शराब का तीसरा मरहला। अच्छा, ये मरहले मैं आयत तो आपके फौरन एक के बाद एक आयत पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, ये कई सालों पर, कई दौरानियों पर मुश्तमिल करके परवरदिगार आलम ने इस हुरमत शराब की आदत को माशरे से ख़त्म किया है, क्योंकि उस वक्त के ज़माने के जो कुफार थे उनकी आदत थी शराब पीना, नॉर्मल बात थी, इतनी नॉर्मल बात थी शराब पीने की, कि यहाँ तक कि रिवायत में मिलता है कि मुसलमानों में से बाज़ ने ये कहा कि हमारे लिए सबसे मुश्किल आदत जो इस्लाम ने आकर हमारे से बरतरफ की है वो शराब नोशी की आदत थी।
सबसे मुश्किल आदत, यहाँ तक कि आपने सुना होगा बल्कि आप ज़रा ज़रा के अदबियात अरब में जाकर देखिए, आपको सबसे ज़्यादा शेर अगर मिलेंगे तो या खातून के बारे में मिलेंगे, या जंग और जिदाल के बारे में मिलेंगे, या मैखारी और शराब नोशी के बारे में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अदबियात उनकी इन्हीं तीन चीज़ों पर, जंग में, खातून पर, या शराब नोशी के बारे में, इन पर मुश्तमिल थी। पहला मरहला बताया कि यह रिस्क हसन नहीं है। दूसरे मरहले में परवरदिगार आलम ने बयान किया कि इसमें कुछ फ़ायदे हैं, हम भी जानते हैं कि जिन फ़ायदे को तुम गिन रहे हो हम भी उन फ़ायदे को जानते हैं, लेकिन बात यह है कि उसके फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा है। तीसरे मरहले में आकर बयान किया कि देखो जब नमाज के करीब जाना तो नशे की हालत में नहीं होने चाहिए। चौथे मरहले में सूरह मुबारक माईदा में परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फजतनिबूहू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ऐ साहिबान ईमान, ये जो कुमार है, ये जो जुआ है, ये जो नशा है शराब का, ये रिज्स, ये नजासत है और अमल शैतान में से है। अब मैं तुम्हें अलल इतलाक हुक्म दे रहा हूँ कि फजतनिबूहू, कि तुम सब इन सब चीज़ों से इज्तनाब करो, शायद कि तुम जो है वो फला और कामयाबी पा जाओ। अब ये चौथे मरहले में आकर फजतनिबू, यानी तुमने इससे बचना है, खा नमाज के आलम में हो या गैर नमाज में हो, खा रोज़े में हो खा गैर रोज़े में हो, खा घर में हो या बाजार में हो, तुमने शराब नोशी से मुतलका और मुकम्मल तौर पर ममानत करनी है। चौथे मरहले में आकर परवरदिगार आलम ने सराहत के साथ बयान किया कि शराब जो है वो एक हराम शय है। इससे पहले परवरदिगार आलम ने तरबियत का जो एक बुनियादी असल है, जिसे तदरीज का असल कहा जाता है, परवरदिगार आलम ने उसकी रियायत की है। लिहाजा वालदैन, खुसूसन वालदैन और सब अफराद जो भी अपने हत्ता अपने आप की तरबियत चाह रहे होते हैं, अब ये वाकया लतीफ़े से खाली, लुत्फ़ से खाली नहीं है, इसलिए इसे सुन लीजिए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो एक मसीही जो है बेचारा नया नया मुसलमान हुआ, उसका पड़ोसी मुसलमान था, तो उसने मुसलमान के आगे, मुसलमान के हाथ पर कलमा पढ़ा, तौहीद का इकरार किया, रिसालत का इकरार किया। तो अब उस मुसलमान ने कहा कि देखो तुमने तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया है, लेकिन हमारे दीन में कुछ फुरूए दीन भी हैं, कुछ अहकाम भी हैं, तुम्हें उनकी रियायत करनी होगी। तो अब ये मसीही बिल्कुल मोटिवेटेड था, एक दुरूद पढ़ के आगे आगे तशरीफ़ ले आइए। एक और दुरूद पढ़ के आगे आगे तशरीफ़ ले आइए। पीछे वाले अफराद भी आगे आगे तशरीफ ले आए। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो बेचारा मसीही मोटिवेटेड था, बड़ा जज्बा था, इस्लाम से बड़ा मुतासिर था, उसने कहा कि हाँ जो भी फुरूए दीन होंगे मैं उन पर अमल करूँगा। अब उन पर अमल करके क्या करें भाई, तो उसने सुबह सुबह जैसे ही फजर की नमाज का वक्त हुआ, तो आधा घंटा पहले तहज्जुद के वक्त उस मुसलमान ने इसका दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि हमारे यहाँ जो है वो तहज्जुद का वक्त हो गया है, तुम जो है वो अभी मस्जिद चलो। चलो भाई मस्जिद चलो, मस्जिद में तहज्जुद पढ़वाई, उससे फजर की नाफिला पढ़ाई, फिर फजर की नमाज़ पढ़ाई। फिर अब वो जाने लगा मसीह के अपने घर में, भाई मैंने इबादत अंजाम दे दी खुदा की तुम्हारे दीन के मुताबिक, अब मैं घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं अभी कहाँ घर जाने का वक्त थोड़ी है, अभी तुलू आफ्ताब नहीं हुआ। हमारे यहाँ सबसे बाफजीला वक्त जो है वो तुलू फजर से लेकर तुलू आफ्ताब तक का वक्त है, और उसमें मस्जिद में और सजदे में रहना चाहिए। अच्छा, उसने कहा सही है, मस्जिद में रहते हैं सजदे में रह रहा है। अब जब तुलू आफ्ताब हो गया तो उसने कहा नहीं, अभी हमारे यहाँ जो है वो चाश के वक्त की भी नमाज़ है, चाश के वक्त के अस्कार हैं, तुम वो भी अंजाम दो। अब वो भी अंजाम दिए। जब वो जाने लगा तो कहा अभी कहाँ घर जाओगे, घर जाओगे नींद आ जाएगी, अभी जोहर की अजान का वक्त कुछ ही देर में होने वाला है, और नाफिले जोहर जो है वो अजान से कुछ देर पहले पढ़ी जा सकती है, तो तुम नाफिले जोहर 8 रकत पढ़ो। वो पढ़ी 4 रकत जोहर की पढ़ाई। कहा अभी क्या घर जाके करोगे, यहीं पर ही खाना खा लेते हैं, कुछ देर बाद 2 घंटे बाद असर की नमाज का वक्त भी हो जाएगा। उसे असर तक रुकवाया, फिर उसे मगरिब तक रुकवाया, फिर उसे ईशा के वक्त तक रुकवाया। जब वो घर जाने लगा और उसे कहा नहीं अभी बैठ जाओ, अभी आज रात हम जो है वो शबेदारी करेंगे, यहाँ पर बैठ कर परवरदिगार आलम से राज़ो न्याज़ करेंगे, तो उस मसीही ने दस्ते अदब जोड़ा और कहा कि तुम्हें तुम्हारा इस्लाम मुबारक हो, मुझे ऐसे इस्लाम की जरूरत नहीं है। अब उस मुसलमान ने क्या गलती की इसके साथ, तदरीज की रियायत नहीं की, मरहलावार दर्जावार रियायत नहीं की। उसे कहा कि मैं ये चाहता हूं, उस मुसलमान ने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि सारा इस्लाम तेरे अंदर आज ही जो है वो मैं इंजेक्ट कर दूं, आज ही तजरीक कर दूं। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि वो इस्लाम के करीब नहीं हुआ, बल्कि उससे ज्यादा दूर हो गया जितना पहले भी वो दूर नहीं था।
तो तदरीज जो है एक ऐसी बुनियादी असल है तरबियत के लिए और तरबियत के कानून के लिए कि जिसे खुद शरीयत मुकद्दसा ने भी उसकी रियायत की है। बस तरबियत का एक असल क्या हो गया, तदरीज। दूसरा एक असल, उसूल बहुत हैं, उसके प्रिंसिपल्स बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन उसूल को डिस्कस किया जाए कि जैसे शायद आमतौर पर कम सुना जा रहा होता है। दूसरा असल क्या है, दूसरा असल पहले एक उसकी टर्मिनोलॉजी बयान कर दूं, फिर मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। और वो क्या है, असल तहलिया और तखलिया। पहले तखलिया करना है फिर तहलिया करना है। तखलिया किसे कहा जाता है, तखलिया कहा जाता है खाली करने को, और तहलिया कहा जाता है आरास्ता करने को। पहले आपने सामने वाले जिसकी तरबियत की जा रही हो, पहले उसे जो रज़ाइल और जो कमियां जो उसके अंदर पाई जाती हैं उससे उसे खाली करना है, और बाद में उसे फजाइल से जो है वो आरास्ता करना है। अगर आप सिर्फ फजाइल से आरास्ता कर दें लेकिन जो उसके रज़ाइल पाए जाते हैं, जो उसकी खामियां पाई जाती हैं, जो नकायस पाए जाते हैं, उससे उसे दूर ना किया जाए तो वो एक मलगूबा, एक किचड़ा बन जाएगा। अब हमारे माशरे में और दुनिया के किसी भी माशरे में जो तरबियत के मौसर अनासर हैं, वो सिर्फ एक नहीं है, वो सिर्फ मेंबर नहीं है। आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं कि किबला मेंबर से जो है वो तरबियत की बात नहीं हो रही, तरबियत नहीं हो रही, लोग जो है वो हमारे सुधर नहीं रहे। देखिए मेंबर जो है या मेहराब जो है वो तरबियत का एक सबब और एक अंसर है। तमाम अनासर तमाम असबाब से मेंबर नहीं है। आपका मीडिया भी जो है वो आपके बच्चों की तरबियत पे असर गुजार है। आपके घर का माहौल भी जो है वो तरबियत पे असर गुजार है। आपकी नस्ल, आपका डीएनए भी जो है वो आपकी तरबियत पे असर गुजार है। आपका तालीमी निज़ाम भी जो है वो आपकी तरबियत पे असर गुजार है। आपका स्कूलिंग सिस्टम भी जो है वो आपकी तरबियत पे असर गुजार है। आपका इलाका, आपका मोहल्ला भी जो है वो आपकी तरबियत पर असर गुजार है। आपकी तहजीब, आपकी फरहंग भी जो है वो आपकी तरबियत पे असर गुजार है। अब आप क्या चाहते हैं कि तहजीब से हमने गंदगी ली, मीडिया से हमने गंदगी ली, घरेलू माहौल से हमने गंदगी ली, तालीमी माहौल से हमने गंदगी ली, स्कूल के निज़ाम ट्यूशन के निज़ाम से हमने गंदगी ली, और सारी गंदगी को जो साफ करने वाली जिम्मेदारी है वो किस पर ला देते हैं, मौलवी पर और मेंबर पर। ये सारी गंद को साफ करेगा वो मेंबर पे, मौलवी करेगा वो भी कितने दिनों में, 10 दिनों में, वो भी 50-50 मिनट को हिसाब कर ले, मल्टीप्लाई कर ले 9 से। इतने मुख्तसर दौरानिए में हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है सारी गंदगी को, वो एक मेंबर जो तकरीबन 5-6 घंटे पर बनेगा, 10 घंटों पर बनेगा, 10 दिन के हिसाब से, वो मौलवी जो है 10 घंटे में पूरे साल की 365 दिनों की जो गंदगी है वो उसको 10 घंटे में साफ करे। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी अशिया, ये जो मैंने बताया मीडिया, ये फरंग, ये तहजीब, ये घरेलू माहौल, ये जो हमारे नफ्स पर जो असर गुजार हो रहा है, तो ये मत समझिएगा कि इस बुराई का असर इंसान की ज़ात पे नहीं पड़ेगा। अगर आपकी ज़ात पर नहीं भी पड़ रहा उस बुरी शय का असर, तो ये मत समझिएगा कि असर कहीं नहीं दिखाई देगा। अगर आप पर नहीं दिख रहा तो नस्लन बाद नस्लन किसी और ज़ात पर, आपकी किसी नस्ल पर उस बुरी शय का असर दिखेगा, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि यही पूरी चीजें हैं जो जुबैर अलैहिस्सलाम को जुबैर बना देती हैं। तवज्जो है ना जुबैर की जानिब, कौन है जुबैर, कि जब अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद नबवी खींच के किशा किशा ले जाया जा रहा था, तो सबसे पहले जिसने तलवार निकाली और अमीरुल मोमिनीन की हिमायत और नुसरत करने का कहा है वो जुबैर है। लेकिन वही जुबैर जो 11 हिजरी में यहां नजर आ रहा है, वो 36 हिजरी में, कितने साल का फासला है, 25 साल का फासला, 25 साल बाद वो जुबैर कहां है, वो किसके कैंप में खड़ा है, वो किसकी नुसरत और किसकी मदद कर रहा है, वो अमीरुल मोमिनीन से कितना दूर है। क्यों? क्योंकि एक बुरी चीज, क्योंकि यहां पर अब जुबैर के बारे में मौलाए मुत्तकियान ने नहजुल बलागा में कहा कि जुबैर अच्छा था, लेकिन उसके फर्जंद नाखलफ ने उसे जो है वो हमसे दूर कर दिया। अब तारीख आपके जहन में है। और ये इसी तरीके से अगर ये सारे मुअस्सरात और ये सारे असबाब जिनका मैंने नाम लिया, घरेलू माहौल, तालीमी माहौल, फरहंग तहजीब, तालीमी निज़ाम, इलाके का माहौल, मीडिया, डीएनए, अगर इनमें से कोई चीज़ आप पर अच्छी तासीर ईजाद करे, तो ये मत समझिएगा कि ये अच्छी तासीर अगर आपको नजर नहीं आ रही तो कहीं भी नजर नहीं आएगी। नहीं, अगर आप पर नजर नहीं आ रही तो नस्लन बाद नस्लन कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगी, और यही वो तासीर है जो हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना देती है। तवज्जो है, ये जो सारे अज़बाब तरबियत हैं मैंने बताया, बार बार नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन फहरिस्त चाहता हूं कि जहन में महफूज हो जाए कि तरबियत सिर्फ किताब तरबियत नहीं करती, सिर्फ मिंबर तरबियत नहीं करता, आपका माहौल भी तरबियत कर रहा होता है।
आपका डीएनए भी आपकी तरबियत कर रहा होता है। न सिर्फ डीएनए, डीएनए तो आज की दुनिया ने साबित कर दिया ना कि डीएनए आपकी तरबियत में, आपके आपके फीचर्स में, आपकी स्पेसिफिकेशंस में, आपकी सिफात में असर गुजार है। ये तो आप बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ आप जाकर फिक्र में एक बाब है, बाबे रिजाद, बाबे रिजाद यानी बच्चे को दूध बढ़ाई की जाए, बच्चे को शीर दूध पिलाया जाए किसी और औरत के जरिए से, उस रिजाद के बाब में जो अहदीस वारिद हुई है उसमें आप जाकर देखिए कि वो एक वक्त का दूध, एक वक्त की रिजात जो बच्चे को, आधा घंटा जो बच्चा दूध पिएगा उसमें रिवायत में है कि ये देखना कि जिस खातून के जरिए से इस बच्चे को रिजात कराई जा रही है वो खातून कहीं बुरी खातून ना हो, वो खातून कहीं मैखार खातून ना हो, वो खातून कहीं बुरे अखलाक की खातून ना हो, वो खातून कहीं हलाल और हराम की पाबंदी ना करने वाली खातून ना हो, इसलिए क्योंकि उसका एक वक्त का दूध पिलाना भी इस बच्चे के अखलाक पर और इसकी तरबियत पर पूरे तौर पर असर गुजार है। ये एक वक्त का दूध कितना, आधा घंटा पिएगा बच्चा दूध, उसमें से भी कितने मॉलिक्यूल्स अंदर रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स मदफू की सूरत में बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये दूध, एक आधे घंटे का दूध, रिवायत में मुतअद्दिद रिवायत है जो कह रही है कि देखो कि जिस मुर्ज़िया से, जिस खातून से दूध पिला रहे हो उसके अंदर बुरी सिफात ना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस पर असर गुजार है, ये इसकी तरबियत पर असर गुजार है, ये इसके अखलाक पर असर गुजार है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी हैं कि जिन पर आज तक किसी ने भी ना कुफर की गलाजत ने उन पर कोई असर डाला है और ना किसी नजासत की आलूदगी ने असर डाला है, और ये वही जात हैं जिन्हें आप ज़ियारत में कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह अंतुम फिल असलाब शामिखा वल अरहमिल मुताहरा, कि ऐ आले मोहम्मद आप वो नूर हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने असलाब शामिखा से अरहम मुताहरा तक सफ़र किया है, न किसी कुफर ने आप पर असर डाला है, न किसी शिर्क ने आप पर असर डाला है, न किसी आलूदगी ने आपको आलूदा किया है। क्यों? क्योंकि कहां से सफर कर रहे हैं? असलाब शामिखा और अरहाम मुताहरा से। क्यों? क्योंकि हर तहारत बाद तहारत असर डाल रही है, वहां पर कोई बुराई जो है वहां पर असर गुजार नहीं हो रही। तो आप ये देखिए कि सुल्ब असर में, तरबियत में असर गुजार है, रहम तरबियत में असर गुजार है, माहौल तरबियत में असर गुजार है, इमाम बारगाह तरबियत में असर गुजार है, नोहखानी तरबियत में असर गुजार है। यही वजह है कि आप देखिए जहाँ पर हम मसाइब में बात करते हैं, जनाब आइम्मा मासूमीन की बात करते हैं, जनाब सानिया ज़हरा की बात करते हैं, जनाब अली अकबर की बात करते हैं, ये तो वो हस्तियाँ हैं कि जो कि आइम्मा की नस्ल से चली हैं ना, इमाम के औलाद में से ये हमें अफराद नज़र आते हैं। लेकिन उन अफराद को आकर देखिए और उनकी तरबियत के कमाल और उरूज को जाकर देखिए कि जिन्होंने बज़ाहिर आइम्मा की नस्ल से वो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इमाम जब मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा भेज रहे हैं तो ये कहकर भेज रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास कोई मामूली इंसान नहीं भेज रहा हूँ, बनी हाशिम के उस तरबियत याफ्ता इंसान को भेज रहा हूँ कि जो मेरा भाई है और मेरे लिए काबिल एतमाद शख्स है, अखीर वसीकत ही मेरे अपने भाई को भेज रहा हूँ। ऐ बाप जिल्ला, मुस्लिम तो आपके भाई नहीं है, ना वो अली इब्न अबी तालिब की औलाद से है, ना वो खातून जन्नत की औलाद में से है, आखिर क्यों कहा भाई? तरबियत के मकाम पर फायज है मुस्लिम, उस मेराज पर नजर आएंगे मुस्लिम। इमाम जो ये कह रहे हैं अपने खत में कूफियों को कि मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, इमाम किसी से किसी की चापलूसी करने के लिए, तमल्लुक करने के लिए भेजा, तारीफ करने के लिए किसी को अपना भाई नहीं कहता। मुस्लिम के अंदर वो जौहर इमाम देख रहे हैं कि अगर भाई बन सकता है तो मुस्लिम इब्न अकील बन सकता है। जानते करबला में जो जनाब अब्बास का मकाम है वही मकाम जनाब मुस्लिम इब्न अकील का भी है। मफातीह में जाकर दोनों हजरात की ज़्यारत देखिए, जो ज़्यारत के फ़िक्रे आपको जनाब अब्बास के बारे में नज़र आएंगे, मेनो अन वही फ़िक्रे मुस्लिम इब्न अकील के ज़्यारतनामे में भी नज़र आएंगे। मुस्लिम कूफा पहुँचे हैं, कैसे कूफियों ने तन्हा कर दिया है मुस्लिम को। आज लोग कहते हैं कि आप कूफे वालों की मजम्मत क्यों करते हैं, मदीने वालों की मजम्मत भी कीजिए, मक्के वालों की मजम्मत भी कीजिए। हम करते, हम मदीने वालों की मजम्मत ज़रूर करते, लेकिन बात यह है कि मदीने वालों ने ख़त लिखकर हुसैन को नहीं बुलाया था, मक्के वालों ने ख़त लिखकर हुसैन को नहीं बुलाया था, अगर बुलाया था तो कूफे वालों ने हुसैन को बुलाया था।
पहले अली ने अभी तालिब के साथ बेवफाई की, फिर हसन मुज्तबा के साथ बेवफाई की, और तीसरे मरहले में मुस्लिम इब्ने अकील के साथ बेवफाई की है। जब तरबिये का दिन आया तो मुस्लिम इब्ने अकील, तय ये था कि मुस्लिम इब्ने अकील ने, क्योंकि हानी इब्ने उरवा कसर दारुल इमारा में असीर थे, हानी इब्ने उरवा को इब्ने ज़ियाद ने अपनी असीरी में रखा था, अपनी कैद में रखा था, और सारे कबीले वालों को, उसके कबीले वाले जमा भी हुए कि हानी को वहाँ से बाजियाब कराएं, वहाँ से रिहा करवाएं। लेकिन हुआ ये कि इब्ने ज़ियाद ने दो बंदों को ख़रीदा, उसके कबीले से कहा कि अंदर आकर हानी को देख लो कि हानी कितनी मुरफ़ा हालत में है। एक को पैसे दिए, एक को डरा कर धमका कर खामोश कराया। उन दोनों ने बाहर आकर झूठी गवाही दी कि हानी इब्ने उरवा जो है बखूबी बखैरियत है, जबकि हानी इब्ने उरवा की पेशानी से मुसलसल खून रस रहा था। अगर उस मकाम पर उन दो कूफियों ने सही फैसला ले लिया होता तो आज हुसैन इब्ने अली करबला में बेगोरो कफन न होते। तारीख़ में एक वो कैसा हसास मकाम था उन कूफियों के लिए देखा जाए, सिर्फ उस एक मकाम पर वो इब्ने ज़ियाद के खौफ में ना आते, वो इब्ने ज़ियाद की तमा और लालच में ना आते, और सच्ची गवाही देते कि अंदर जो है वो हानी इब्ने उरवा पर बहुत जुल्म हो रहा है। तो नतीजा क्या होता, कबीला जो है वो दारुल अमारा पर हमला आवर होता, हानी बाजियाब हो जाते, कूफा में जो है मुस्लिम इब्ने अकील की हुकूमत बरकरार हो जाती। लेकिन तारीख में कूफी हजरात जो है वो हमें इम्तिहान में नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। तकरीब 18,000 लोगों ने ख़त लिखा था हुसैन को, 18,000 लोगों ने, सब खुदूद जब इमाम हुसैन ने रखे हैं, कहा है कि देखो ये तुमने मुझे ख़त लिख कर भिजवाया था, तुमने मुझे ख़त लिख कर बुलाया था, तुमने मुझे ख़त लिख कर दावत दी थी। कोई जवाब नहीं है कूफियों का, कोई जवाब नहीं है कूफियों की ज़बान पर, सिर्फ पशेमानी और नाउमीदी और यास। हद तो यह है कि जब मुस्लिम इब्ने अकील कूफा में नमाज पढ़ने के लिए रात के वक्त गए हैं ना मस्जिद में, तो एक लश्कर की जमात है जो मुस्लिम इब्ने अकील के साथ है। जब मुस्लिम इब्ने अकील ने तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ बुलंद किया तो एक जमात ने फुर्सत को गनीमत जानते हुए मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। जब मुस्लिम रुकू में गए तो कुछ और जमात कट के चली गई। जब मुस्लिम सजदे में गए तो और तन्हाई महसूस होने लगी। जब मुस्लिम ने तशहुद करने के बाद सलाम फेराना, अब जब दाएं देखा तो कोई नज़र नहीं आया, जब बाएं देखा तो भी कोई नज़र नहीं आया। कासिद हुसैन, सफ़ीर हुसैन कूफा में तनहा नज़र आ रहा है। यही वजह जानते हैं क्या है, जिस मजलूमियत के साथ, जिन अलामात के साथ हुसैन इब्न अली करबला में शहीद हुए हैं ना, उसकी एक जलवा और उसकी झलक आपको कूफे में मुस्लिम इब्न अकील में नज़र आएगी। दारुल कूफा की गलियों में अकेले अकेले घूम रहे हैं, क्योंकि हर जानिब नाकाबंदी है, समझ नहीं आता कि जाएं तो कहां जाएं। एक घर के बाहर आकर क़याम किया, उस घर की खातून का बेटा जो है वो सिपाही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद में था। उस खातून ने एक मरतबा देवड़ी पर आई और आकर कहा कि है गरीब वतन शख्स, मैं नहीं जानती कि तू कौन है, लेकिन तू ये ज़रूर जानता है कि कूफे के हालात जो है वो किस कदर वो आशोब हैं। देख मैं तन्हा खातून हूँ, मैं तुझसे दस बस्ता कहती हूँ कि तू अपने घर चला जा। एक मरतबा मुस्लिम इब्ने अकील ने उस खातून से पानी मांगा, खातून पानी लाई, मुस्लिम ने पानी पिया और दोबारा उसी दहलीज में खड़े रहे। खातून अंदर गई, कुछ देर बाद वापस आई, देखा मुस्लिम इब्ने अकील ऐसे ही खड़े हैं। कहा कि ऐ शख्स, क्या तू जानता नहीं है मैं तुझसे वाकिफ नहीं हूँ, और तू जानता है कि कूफे के हालात कितने पुरतलातों में, देख तू अपने घर चला जा। मुस्लिम इब्ने अकील सर झुकाए हुए बैठे हुए थे। जब उस खातून ने इसरार किया ना कि तू आखिर क्यों अपने घर नहीं जाता, मैं बार बार तुझसे कह रही हूँ लेकिन तू हिलता नहीं है अपने मकाम से, एक मरतबा मुस्लिम इब्ने अकील ने उस खातून की तरफ देखकर कहा कि ऐ खातून, क्या तू जानती नहीं है कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ पर जाए।
तो मुझे इतना बता दे कि जो गरीब वतन हो वो कहाँ पर जाए। वो खातून समझ गई कि आप हो ना हो मुस्लिम इब्ने अकील हैं। एक मरतबा खातून ने मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर में कयाम दिया, अपने घर में सुकूनत दी। उस खातून के फर्जंद ने उबैदुल इब्ने ज़ियाद के पास जाकर शिकायत की कि देखो जिसकी तुम तलाश कर रहे थे ना वो मेरे घर पर मुकीम है। जब सुर हुई तो चारों तरफ से आधा के नरगे में उस घर का मुहासरा कर लिया गया। एक मरतबा मुस्लिम इब्ने अकील ने चाहा, उस खातून ने चाहा कि मुस्लिम इब्ने अकील है सफ़ीर हुसैन, आप मेरे घर में रहकर अशकिया से मुकाबला कीजिए, क्योंकि अशकिया से मुकाबला करना घर की चार दीवारी में बहुत आसान है। एक मरतबा उस जलाल के साथ कहा कि नहीं, मैं बाहर जाकर लड़ूंगा। शायद मुस्लिम के जहन में ये बात हो कि कहीं ऐसा ना हो कि अशकिया इस खातून की हुरमत को पामाल कर दे, इसके सर से चादर छीन ले, इसकी नामूस को पामाल कर दिया जाए। अरे मैं मुस्लिम इब्ने अकील से कहूंगा, मुस्लिम इब्ने अकील जलाकर करबला में आकर तो देखिए। अजरुकुम अल्लाह। मुस्लिम को खूब जंग की मुस्लिम इब्ने अकील ने, एक हीले से एक मकर से मुस्लिम इब्ने अकील को असीर किया, दारुल इमारा में लाया गया। दारुल इमारा में लाने के बाद मुस्लिम ने पानी मांगा। जब पानी मांगा ना तो खून के कुछ कतरे उस जर्फ में गिर गए। मुस्लिम समझ गए कि परवरदिगार की मशीहत यह है कि मुस्लिम इस दुनिया से प्यासे जाए। एक मरतबा एक लईन से उबैदुल्ला ने कहा कि उबैदुल्ला जा, उबैद शख्स जा, जाके मुस्लिम को दारुल इमारा की छत से गिरा दे। मुस्लिम इब्ने अकील को हाथों में रसन के दारुल अमारा की छत पे लाया गया। जब पुश्ते बांग पर लाया गया और मुस्लिम इब्ने अकील अब वो धक्का देने ही वाले थे, एक मर्तबा मुस्लिम इब्ने अकील ने मक्का का रुख किया और एक मर्तबा कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह मेरा सलाम कबूल कीजिए। मुस्लिम इब्ने अकील ने अपने मौला को आखिरी सलाम किया। मुस्लिम ने अपने अकील के जसद को जमीने कूफा की जानिब धकेल दिया गया। मुंह के बल मुस्लिम इब्ने अकील जमीने कूफा पर गिरे। अभी मसायब यहाँ पर रुकूंगा नहीं, एक रिवायत और सुनते चले जाइए। जब मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा था ना अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मेरे मौला ने कूफे का रुख किया, कहा अस्सलाम अलैका या मुस्लिम इब्ने अकील, ऐ मुस्लिम इब्ने अकील मेरा सलाम कबूल करो। एक मरतबा खेमों को बर्पा किया गया, खेमों को बर्पा करके मुस्लिम की यतीमा को बुलाया, एक मरतबा यतीमा को बुलाकर अपनी आगोश में बिठाया, एक मरतबा सर पे दस्ते शफकत फेरा, कानों में गोशवारे पहनाए। भाई हाशिमी खानदान की खातून थी, हाशिमी खानदान की बच्ची थी, वो शहजादी समझ गई कि ए मामू जान मैं जानती हूँ मेरा बाबा मारा गया, आपकी मोहब्बत से समझ आ रहा है कि आज से मैं यतीम हो गई। अरे मैं मौला से बस इतना कहूंगा, मौला इतना देख लीजिए कहीं करीब में सकीना ना हो, इसलिए क्योंकि जब सकीना देखेगी कि यतीम के सर पे दस्ते शफकत फेरा जाता है, कान में गोशवारे पहनाए जाते हैं, अरे कल शाम ए गरीबा जलता हुआ दामन होगा, नेजे की अनी होगी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु लदीना ज़लमु अय्युमुन कलबियन कलिबून। परवरदिगार हमारे नासों को रुमाल हजरत ज़हरा में जगह नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे नासों के सद के तमाम गुनाह ने कबीरा और सगीरा की बख्शिश फरमा। परवरदिगार जो मरहूम हो चुके उन्हें जवार मोहम्मद वाले मोहम्मद में जगह नसीब फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें सेहत याबी इनायत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। जो बेगुनाह असीर और लापता है उन्हें जल्द अज जल्द रिहा और बाजियाब फरमा। परवरदिगार साहिबान ईमान अज़दारी में इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मशगूल हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। अपने वक्त के हमारे वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार मददगारों में शुमार फरमा। मातम हुसैन।